हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। और नई वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आज हम एक रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। उस महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। उस परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है, यीशु ने कहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरे प्रियजनों, धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो महिमा करने की योग्य है, तारीफ करने की योग्य है, बढ़ाई के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने की योग्य है, जय जयकार के योग्य है। उसी ही के धर्म से भी कोई जीवन मिला है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ऐसा जीवन जो हजार साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। अनंत काल का जीवन, अजर मीरास का, जो कभी नाश नहीं होता है। परमेश्वर ने जो अपने प्रेम करने वालों को दिया है, अपने खोजियों को दिया है, अपने बेटे बेटियों को दिया है, जितने उसके खोजी हैं, जितने उसको पुकारते हैं, जितने उसके शरण गाते हैं, डरवैये हैं, भेड़िए हैं, परमेश्वर को कभी किसी भली वस्तु को घटी होने नहीं देता है। जो भेड़े हैं परमेश्वर का शब्द सुनती हैं। यीशु ने कहा है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चराइयों में लेकर जाता है। मेरे प्रिय जनों, उस परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी चराइयों में लेकर जाता है, हर बुरे विचारों से, बुरे हालातों से बचा के रखता है परमेश्वर, छिपा के रखता है उस परमेश्वर, उस महान जीवित परमेश्वर का आप लोग धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियजनों, ने यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है। यीशु मसीह ने हम सभी से प्यार किया है, उसने लव किया है। जीसस डू योर लव हिम। यीशु ने हम सभी से प्यार किया है, प्रेम किया है, ऐसा प्रेम नहीं जो संसार करता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसी शांति जो संसार नहीं देता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने हम सभी से प्रेम किया है। मेरे प्रियजनों, की आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, परमेश्वर ने यीशु ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पर में किल्ले ठोकी गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसे 39 कोड़े लगवाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, सिर्फ हम सभी के खातिर, जो सजा मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि हमसे प्यार करता है, इतना प्रेम किया। आज लोग भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा, कौन कोड़े खाएगा, कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा, कौन अपने मुँह पर थुकवाएगा, कौन क्रूस पे चढ़ेगा, कौन किले ठुकवाएगा। मेरे प्रियजन, एक ऐसा ही परमेश्वर जो महान, जिसने संसार से इतना प्रेम किया कि वो हम सभी के पाप का बोझ खुद यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, इतना प्यार उसने किया, इतना प्रेम किया, उसने अपनी जान दे दिया, अपनी जान दे के साबित करके दिखा दिया। मेरे प्रियजन, धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का जो उसने हमें एक नया जीवन दिया। मसीह में आप एक नई सृष्टि हो। पहले की बातें चली गई, पहले की बात बीत गई, देखो परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है। मेरे प्रियों, नया कर दिया है, क्योंकि वो नया करने वाला परमेश्वर है। जितने उसको पुकार रहे हैं, जितने उसको खोज रहे हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, उन्हें आशीष देगा। मेरे प्रियजनों, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, यदि आप अपने कामों को लेकर टूट चुके हैं, यदि आपको आशीष नहीं मिल रही है, किसी कामों में आशीष नहीं मिलती है, परेशान हो चुके हो, बीमार हो चुके हो, इलाज करवाते करवाते थक चुके हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, शायद आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दे दिया हो, शायद आपका पैसा किसी ने मार लिया हो, यदि आपके खेतों में बरकत नहीं मिल रही है, तो मैं बता रहा हूँ, यदि आप इस प्राणों को सुन रहे हो मेरे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपको हीलिंग देने वाला परमेश्वर है। आपको हीलिंग देगा, आपको चंगा करेगा, आपको बचाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। एक अनंत काल का जीवन हमारा परमेश्वर आपको देगा, एक अनंत काल का जीवन हमारा परमेश्वर आपको देने वाला है। जितने उसको पुकारते हैं, जितने उसके खोजी हैं, जितने उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें एक नया जीवन देगा। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वचन पे चलते हैं, परमेश्वर ने आशीष देगा और अनंत काल का जीवन देगा। और जो आपकी बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, आप आजाद होंगे और चंगे होंगे और हील होंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको हील करेगा, आजाद कर देगा, क्योंकि आजाद करने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास के साथ पुकारोगे, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा,
आजाद कर देगा। वो आजादी देने वाला परमेश्वर है, आपको आजादी देगा, बरकत देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा, ऐसी शांति देगा जो संसार देता है। पिता ने कहा है मैं ऐसी शांति देता हूँ जैसा संसार देता है, ऐसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता। क्या तुम मेरी शांति लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे लव करते हो? यदि आप ऐसा करते हो परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको एक सुनहरा जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा, जहाँ ना दुख, ना मौत, ना पीड़ाएं, ना दर्द, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, एक संबंध होगा। मेरे प्रियजनों, इस प्राण को आंख बंद करके सुनना है और लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। चलिए प्राण को स्टार्ट करते हैं। जब आमीन बोलते हैं तो प्राण पूरी होती है, ठीक है भैया? क्योंकि आमीन बोलते हैं प्राण पूरी जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है, ठीक है? हमें प्राण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चलिए प्राण को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु, हम आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु राजा, क्योंकि आप ही महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हैं। आप ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, आप ही के द्वारा हम सभी के क्षमा हुए, आप ही ने हम सभी का उद्धार किया मेरे राजाओं के राजा। इसके लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र हैं, राजाओं के राजा हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे परमेश्वर, ये रिहा हो जाए, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए सुनासर के नाम में। मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, शायद उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, शायद मेरे परमेश्वर वे टूट चुके हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी के पास मेरे राजाओं की राजा यीशु राजा इतना पैसा नहीं पिता कि अपना इलाज करा सके, वे अपना इलाज करा सके। पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आपने तो अपने वचन में कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे परमेश्वर, हम सभी को संकट और संकेत से छुड़ाइए, जो हमारे मसीह भाई पिता के बेटे बेटियां संकट और संकेती में हैं पिता, उन्हें आप छुड़ाइए, जो हम सभी से पाप गुना हुए हैं, पाप हुए अधर्म के काम में, परमेश्वर आप क्षमा कीजिए, आप क्षमा दान कीजिए, क्योंकि आपके के पास ये अधिकार है कि आप हम सभी के पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं। हे दाऊद के संतान, हे मेरे राजाओं के राजा, हे यहोवा जरा सृष्टि करता राजा, हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए पिता, क्षमा दान कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कर सकते हैं। मेरे पिता, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को माफ कर दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम सभी पापी मनुष्य, हम सभी पाप में गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, पिता हम सभी के पापों को क्षमा कर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ये मसीह भवन जो बुरे हालात में है, बुरे विचारों में है, गरीबी में जकड़े हैं, परेशानी में जकड़े हैं, मेरे पिता, जो किसी अन्य जाति का के उधार ना ले नहीं पाए, सहायता मदद ना ले नहीं पाए, मेरे पिता इस सब को छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे, मेरे पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता, मैं आपके दास होने के नाते इनके लिए मैं मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ, इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जो मांग रहे हैं रुक नहीं रहे, मांगते मांगते थक चुके हैं, मेरे परमेश्वर आज की रात की गरीबी, तंगी, परेशानी आज चली जाए मेरे परमेश्वर, और ये रिहा हो जाए, ये बहुत सारी जातियों को उधार देने लिए यीशु नासर के नाम में बन जाए मेरे परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भाई बहन रात में सोने से डरते हैं, गंदा सपना आता है, शैतान दुष्ट आत्मा सपने के जरिए अटैक करते हैं, इनके आशीष को चुराते हैं, जो बुरे विचार डालते हैं, गंदी आत्मा जाए मेरे परमेश्वर, एक लहू का मैं बाड़ा बांधता हूँ,
मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे पिता मुझे आशा है, विश्वास है आपने प्राणों को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।